मोमिनीन इकराम, आज फिकही मसाइल में से जमात का एक मसला आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ मुज्तहिद और पेश इमाम, नमाज जमात पढ़ाने वाला इमाम मस्जिद, शरी कवानीन और शराइत के साथ अहल शुमार होता है। नंबर एक, दोनों के लिए मुज्तहिद और पेश नमाज दोनों के लिए मर्द होना, शिया इसना शरी होना, आदिल होना शर्त है। इस आदिल की वजह से आज कुछ लोग बाकायदा नमाज जुमा में भी बारह इमाम का इंतज़ार करते हैं कि वो आएंगे तब पढ़ाएंगे, बाकी मौलवी हजरात अहल नहीं हैं, लिहाजा हम अभी कोई जुमा नमाज नहीं पढ़ते। एक अलग मौजू बन जाएगा। इस साल बाकायदा अफसोस के साथ मिंबर हुसैनी से सूरह जुमा की इस आयत का गलत तर्जुमा करके इज़ा नूदिया लिस्सलात मिन यौमिल जुमा फसअउ इला ज़िक्रिल्लाह, आज तक के मौलवियों मुज्तहिदीन सब ने गलत तर्जुमा किया, मैं सही तर्जुमा कर रहा हूँ। इमाम जब खुद आके बुलाएंगे तो नमाज वाजिब है, अजान मुराद नहीं। ये इस हद तक पीछे जाना भी गलत है। और इमामत और इज्तिहाद का मसला, इमामत ये वाला इमामत, इमाम मासूम की बात नहीं कर रहा, इतना है मैं कि कम अज़ कम हर वाजिब को बजा लाता हो और हर हराम को तर्क करता हो। इमामत के लिए एक शर्त और है कि वो कराअत तजवीद, जो कुछ मसाइल मैंने आपकी खिदमत में पेश किए, से बखूबी वाकिफ हो। और सिर्फ वाकिफ होना नहीं, उसकी बाकायदा पैरवी करता हो, उसका लिहाज रखता हो, सही कराअत से तिलावत करता हो, वही पेश नमाज बनने की सलाहियत रखता है। एक वक्त मैंने आपकी खिदमत में ये भी गुजारिश की थी कि हमारे यहाँ जमात को अहमियत नहीं दी जाती है, चार पांच बंदे मौजूद हैं उनमें एक इन सिफात का हामिल है, तजवीद खराब उसकी सही है, आदिल बंदा है तो वो नमाज पढ़ा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी दिन मौलवी साहब एब्सेंट हो जाए तो नमाजियों में से कोई आगे बढ़ जाए और नमाज पढ़ाना शुरू करे। ये पैगाम जाना चाहिए, मोमिनीन को बात समझ लेनी चाहिए। पिछली दफ़ा आखिर मौलवी भी तो एक इंसान होता है, सुबह के नमाज पढ़ाने वाला नहीं आ सका, एक बच्चे ने यहाँ से खड़े होकर नमाज पढ़ाई। हमारे यहाँ जमात की नमाज हद के हुरमत ना करें। जो बुजुर्ग मौजूद थे, आपकी जिम्मेदारी थी कि बात उनको समझा दें। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई भी आगे हो जाए तो उसके पीछे नमाज पढ़ी जाती है। मैं ज़रा है मजाक पेश करता हूँ ये बात, दूसरों का यहाँ ये मसला है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। मशहूर अखबार, सबसे बड़े अखबार, जंग अखबार में आपके मसाइल और उनका हल, एक बहुत बड़े मुफ्ती से सवाल किया, क्या मैं ऐसे बंदे के पीछे नमाज पढ़ सकता हूँ जो यकीनन मुझे मालूम है कि गुनाह है कबीरा, जिना और लिवात करता है। तो उसने जवाब दिया था कि जमात की अहमियत ज़्यादा है, लिहाजा आप उनके पीछे नमाज पढ़ सकते हैं, पढ़ना है तो पीछे चले जाएं, इधर मुमकिन नहीं। लिहाजा एक शर्त है, शुरूत है, कवायद हैं। बात तवील हो जाएगी। इमाम रातिब का भी एक मसला है, बहुत ज़्यादा अहमियत देके मैं अर्ज नहीं करता हूँ, लेकिन है मसला कि एक पेश नमाज की इजाज़त के बगैर दूसरा उसकी जगह जाके खड़ा हो सकता है, ये भी एक फिकही मसला है। लेकिन वो इतना अहम मसला नहीं है, लेकिन अदालत और तजवीद से वाकिफ अफराद नमाज पढ़ाए ताकि दूसरों की नमाज ख़राब ना हो, बहुत बुनियादी शर्त है। इतना आम नहीं कि जिस बंदे को आप चाहें पकड़ें और आगे, या टोपी पहन के आया है लिहाजा इसलिए उसको नमाज पढ़ाएं, या दूसरों की तरह पांचे ऊंचा किया हुआ इसलिए नमाज पढ़ाएं, नहीं, दाढ़ी बहुत बड़ी है इसलिए नमाज पढ़ाएं, नहीं, हमारे यहाँ शर्त तो शुरू है। इंशाल्लाह बात वाजह हो रही है। आइंदा ये गलती कम अज़ कम नमाजियों की तरफ से नहीं होनी चाहिए कि एक बच्चा आके खड़ा हो गया उसके पीछे आप लोगों ने नमाज भी पढ़ ली, सुबह की नमाज की इस तरह से बात हुई है, लिहाजा ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और इंतज़ामी उमूर के लिहाज से भी बहुत अहम बात अर्ज कर रहा हूँ, एक चौकीदार की जगह पर भी वो गायब हो जाए और अपनी जगह किसी को खड़ा करे, हम सब एतराज़ करेंगे, भाई जो बंदा था वो कहाँ गया, पेश नमाज की जगह जिसका दिल चाहे जाके खड़ा हो जाएगा, दीन इतना मज़लूम हो गया।
कि हर फन में हर इंसान कहता है मैं इसके बारे में नहीं जानता, बात नहीं कर सकता। दीन वो मजलूम है कि जिसके बारे में हर इंसान माहिर बन के बात करना चाहता है, यह गलत बात है। एक बार सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। जनाब सैयदा सलामुल्लाहि अलैहा की शहादत की मुनासिबत से एक दो बातें मैंने आपके सामने पेश की। आज उस सिलसिले की एक बात इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी। फरमाते हैं कि रात भर वालिदे गिरामी को इबादत में मसरूफ देखा, दुआएं करती रही मुसलमानों के लिए, मोमिन के लिए, हमसायों के लिए, खैश अकारिब दोस्त अहबाब के लिए। फजर का वक्त करीब आया लेकिन खुद अपने लिए और हम घर वालों के लिए कोई दुआ नहीं की। मैंने सवाल किया, पूरी रात आपने गुजारी मगर आपने कोई अपने लिए और हमारे लिए दुआ नहीं की। मशहूर जुमला है अलजार सुम्मद्दार, मेरे लाल पहले हमसाए फिर घर। है कोई मोमिन कि मामलात दुनियावी में पहले हमसाए को फोकियत दें फिर मैं? अगर ये मीम यजर में ख़त्म हो जाए तो फिर सब सीधे हो जाए, यही बड़ा मुश्किल है। पैगंबर गिरामी कदर हमसाए की अहमियत के बारे में फरमाते हैं, परवरदिगार ने इतनी ताकीद फरमाई कि मुझे डर लगने लगा कि जैसे बाप से बेटा विरासत पाता है, हमसाए से हमसाया विरासत पाएगा। इस हद तक ताकीद की अलजार सुम्मद्दार के जेल में है। कुरान में भी ये लफ्ज जार इस्तेमाल हुआ है। अपने रिश्तेदारों का हक अदा करो, वह आतिजल कुर्बा हक कहू का तर्जुमा है। फिर आयत थोड़ा सा ज्यादा तफसील में नहीं जाना, थोड़ा आगे जाकर अलजार हमसाया व साहिबुल जार, हमसाए का भी हमसाया। रवायत में है कि 40 घर इधर, 40 घर इधर, 40 घर सामने, 40 घर पीछे, टोटल आप लगाइएगा। इस सर्कल में सब हमसाए हैं, उनके हुकूक कोई इस्तेस्ना नहीं। मुसलमान हो मोमिन हो, मोमिन मुसलमान हो और खूनी रिश्तेदार हो तो क्या कहना, मजीद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। लेकिन आम इंसान काफिर भी है तो उसके हुकूक मुसलमान की तरह हमारे लिए बराबर है। उनके जान माल और नामों की हिफाजत करना हम सबके लिए फरीजा है। हम समझते हैं कि मुसलमान के लिए सब बातें ठीक है, हम कबूल करते हैं, अदा करें ना करें हैं। काफिर दीगर इंसानों के लिए कहते हैं क्या, मैं गैर मुताबिक एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करूँ हदीस की सूरत में, फिर आपसे इजाजत चाहूँ। चटे इमाम इमाम जाफर ने सादिक अलैहिस्सलात वस्सलाम का एक सहाबी आया, आता था नबी इमाम की खिदमत में, उसके एहतराम में इमाम बसाओकात खड़े होकर इस्तकबाल करते। मकाम देखें, सहाबी के लिए इमाम खड़े हो जाए। एक मरतबा पता नहीं क्या हुआ, जब उसने आकर सलाम किया, इमाम ने रुख फेर दिया, सलाम का जवाब भी नहीं दिया। उसने हाथ जोड़कर पांव पकड़कर पूछा, मौला क्या गलती हो गई मुझसे? कहा, आपने फला अपने एक शख्स के लिए बदजमानी की, बदकलामी की, उसे नस्ल हराम से मौसूम किया, गाली दी थी उसने। फौरन वही उजर पेश की जो हम पेश करते हैं, मौला वो तो काफिर था। मौला का जुमला सुनिए, अच्छा काफिर था, उसकी माँ के बतन में नुतफा ठहरने से लेकर जन्ने तक तुम्हें ठेकेदार या चौकीदार बनाया था कि वह हलाल ज्यादा पैदा हुआ कि हराम ज्यादा, तुमने उसे इससे कैसे मौसूम किया? बताइए, जो मोमिन आपस में बाकायदा खसूसी अलकाबात से याद करते हैं, क्या हशर होगा हमारा? सगे भाई सगे भाई को गाली देता है। वहीं पर मैं हमसाए की अहमियत बता रहा हूं, हमें समझ में आए हम अंजाम दे ना दे, शरीयत के हुकूक है। जनाब सईदा का फरमान अलजार सुम्मद्दार, पहले हमसाया फिर घर की बात करो। मैं और मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहे हैं, बाकी बहुत मुश्किल है, ईमान का तकाजा ये नहीं है। लिहाजा
जनाब सईदा की सीरत से शहादत के मौके पर एक छोटा सा पैगाम ये ले कि हमसाये के हकूक बहुत अहम है, चाहे खूनी रिश्तेदार हो बहुत ज़्यादा अहमियत बढ़ जाती है, मुसलमान मोमिन हो अहमियत बढ़ जाती है, लेकिन आम काफिर और ईसाई भी हो तब भी वो उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा हुकूक उतने ही है जैसे एक मोमिन और मुसलमान के लिए। परवरदिगार हमें शरीयत मुकद्दसा पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार दीन के खातिर जो कुछ इबादतें हैं कोशिशें करते हैं से अपनी बारगाह में कबूल फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वइला अरवाहिल मोमिनीन वल मोमिनात जमीअन नुहदी सवाबल फातिहा।